मंडल के परिषदीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक कंपोजिट व कस्तूरबा गांधी कन्या आवासीय विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थी का निपुण असेसमेंट टेस्ट यानी NAT परीक्षा 22 नवंबर को होनी थी। इसको लेकर विभाग ने तैयारी पूरी कर ली थी, मगर कुछ शिक्षकों की शिकायत के चलते इस परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। देखिए क्या है पूरा मामला। मंडल के परिषदीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक कंपोजिट व कस्तूरबा गांधी कन्या आवासीय विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का निपुण असेसमेंट टेस्ट यानी NAT परीक्षा 22 नवंबर को होनी थी। इसको लेकर विभाग ने तैयारी पूरी कर ली थी, मगर कुछ शिक्षकों की शिकायत के चलते इस परीक्षा को स्थगित कर दिया गया। नरेश राम उपाध्याय ने बताया कि शिक्षकों की शिकायत थी कि पहली बार बच्चे OMR शीट पर परीक्षा हो रही है, इसके चलते इस परीक्षा OMR शीट की जांच एक सरल ऐप के जरिए होगी, जिसका शिक्षकों को कोई भी अनुभव नहीं था, यानी कि इसका शिक्षकों को अभी तक प्रशिक्षण नहीं मिला था, इसके चलते परीक्षा स्थगित कर दी गई। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से आदर्श शर्मा की रिपोर्ट। निपुण असेसमेंट टेस्ट ये अभी आयोजित किया जा रहा था। राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा इसके निर्देश प्रदान किए गए थे, जिसमें नेट का शासनादेश था 5376 2022-23 दिनांक 30 सितंबर 2022। उसके अकॉर्डिंग कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों का निपुण असेसमेंट टेस्ट कराया जाना था, जिसमें बच्चों के निपुण लक्ष्य एवं लर्निंग आउटकम पर आधारित त्रैमासिक ये परीक्षा आयोजित होगी। और इसमें पहली बार अभी ये सरल ऐप के माध्यम से कराया जा रहा था। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से जो बच्चों का प्रश्न पत्र होगा उसके वो OMR सीट के ऊपर उसका आंसर भरेंगे, सरल ऐप से उसे स्कैन किया जाएगा, उसका रिजल्ट सरल ऐप पर ही अपलोड होगा, जो राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा को प्राप्त हो जाएगा। इसमें इसका उद्देश्य यही है कि कक्षा में बच्चों का जो कितना लर्निंग आउटकम है, यानी उन्होंने कितना सीखा है, उसके स्तर को जानने के लिए परीक्षा त्रैमासिक रूप से आयोजित कराई जाएगी। इसका पहला सत्र जो नेट फर्स्ट है वो आयोजित अभी किया जा रहा था, और इसके लिए निर्धारित थी जनपद में 22 नवंबर की तिथि, किंतु राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा अभी एक निर्देश प्राप्त हुआ है कि ज़्यादातर शिक्षकों द्वारा ये मांग की जा रही है कि अभी क्योंकि सरल ऐप एक अभी पहली बार हमें प्रयोग करने को मिल रहा है, तो इसके लिए उससे पहले एक प्रशिक्षण आयोजित कराया जाए। तो राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा अभी एक प्रशिक्षण आयोजित कराया जाएगा शिक्षकों के लिए, और उसके बाद ये नई तिथि निर्धारित होगी। अभी इस परीक्षा को प्रशिक्षण के दृष्टिगत इसे स्थगित कर दिया गया है, और राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा जैसे ही हमें निर्देश प्राप्त होंगे तो जनपद स्तर पर भी ये परीक्षा विधिवत आयोजित कराई जाएगी।